राजस्थान के अंदर चुनाव का बिगुल पूरी तरह बज चुका है और कांग्रेस का कहना है कि काम करा दिल से और कांग्रेस फिर से। 7 गारंटी योजनाओं के तहत कांग्रेस चुनाव मैदान के अंदर पूरी तरह से अपनी कमर कसकर चुनाव मैदान में है। वही भाजपा की बात करें तो भाजपा भी लगातार कांग्रेस पर भ्रष्टाचार को लेकर पूरा भ्रष्टाचार, महिला अपराध को लेकर सहित जो भ्रष्टाचार हुआ है कांग्रेस सरकार में उसको लेकर पूरी तरह चुनाव मैदान के अंदर बिल्कुल बजा चुके हैं। आज NDTV का जो खास प्रोग्राम है कि अंतिम व्यक्ति तक क्या योजना पहुंची है या नहीं पहुंची है, हमारे साथ नगर पालिका जो शहरी क्षेत्र की बांदीकुई विधानसभा की जो मनरेगा कर्मी है जो शहरी क्षेत्र के अंदर काम करती हैं, एक बार उनसे चर्चा करना चाहेंगे, पूछना भी चाहेंगे कि क्या सरकारी योजनाओं को कितना लाभ उन्हें मिला, कांग्रेस सरकार के अंदर लाभ मिला या बीजेपी गवर्नमेंट में लाभ मिला, बात करना चाहेंगे। महिलाएं भी क्या कहना होगा। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका नाम क्या है? शीला देवी। शीला देवी जी, कब से आप ये काम कर रहे हैं? 3 स्टॉल हुई। 3 स्टॉल। क्या आपको कांग्रेस सरकार से क्या लाभ मिला है? हाँ, अनाज मिल रहे, बच्चा पढ़ रहे फ्री में। और क्या जो 7 गारंटी अभी योजना सरकार लेकर आई है उसको लेकर क्या कर रहा हूँ? कुछ नहीं आई है यहाँ तो, योजना नहीं है। आप को कितनी सैलरी मिलती है, कितनी एक दिन का कितना पेमेंट मिलता है? पता ही कौन मेरे को तो? आपको पता ही नहीं है? आया ही नहीं मेरे पास तो, 20 हजार तो बताऊंगी क्या, आया ही कौन? फिर भी आपको बताया होगा कि इतना पैसा? 120 बताया है, 220। और भी लोग एक बार चर्चा करना चाहेंगे, कैमरा में सहयोग से बोलूंगा, बार दिखाना चाहेंगे। माता जी क्या नाम है आपका? कौशल्या। कौशल्या जी कब से काम कर रहे हैं आप इस चीज में? को तो 12 महीना तो होगा, तो पहला से कभी से है। अच्छा, कांग्रेस सरकार के अंदर जो यहाँ पर योजनाएं चल रही हैं वो कितनी योजनाएं मिली है आपको? हमको धंधा करे जब मिल गयो, धंधा करा। क्या आपको चिरंजीवी योजना या और कोई योजना है? आपको कौन कौन सी योजना? क्या गेहूँ मिलता है? गेहूँ मिलता है हमको। क्या भाजपा सरकार अच्छी है या कांग्रेस अच्छी है? अब आई तो जाना कांग्रेस कांग्रेस ही सही थे, धंधो भी दे रखे थोड़ा बहुत हमको, और कहीं कहीं मलिर थे नाच पाच भी दे रखे थे, बच्चा भी पढ़ रहा थी या तो सारो काम कर ही रहे थे भाई। अच्छा, बात करें कि आपको पता नहीं है पार्टी कौन सी है, अशोक गहलोत या नरेंद्र मोदी? अरे को जाऊ मैं, नरेंद्र मोदी को जाऊ, अशोक गहलोत। और भी कुछ महिलाएं एक बार बात करना चाहेंगे कि आपसे भी पूछना चाहेंगे कि आप कब से काम कर रहे हैं, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सावली देवी है। कहाँ के रहने वाले हैं आप? झील का। झील गाँव। क्या सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है आपको? सरकारी योजना का काम मिल रहा है हमारे, बच्चा भी कोई फ्री नहीं पढ़ रहा है, नहीं कोई अनाज मिल रहा है हमको, या हम नरेगा हम काम कर रहे हैं बस। क्या कांग्रेस के अंदर वर्तमान में राजस्थान में कांग्रेस ने काम किया कि दिल से काम किया है, योजनाओं के दम पर यहाँ चुनाव मैदान में आए हैं और भाजपा कह रही है कि लगातार भ्रष्टाचार हुआ है, आपको कौन सी गवर्नमेंट अच्छी लगती है, मतलब कौन सी सरकार, कांग्रेस या बीजेपी, फूल वाली या हाथ वाली? बताओ कौन सी? वोट करते हैं? वोट तो दिया हुआ, कहाँ पता कौन सा वो दिया होगा, जाए दिए लग जाए। अच्छा, आपके किसको वोट करने का है? अभी तो कोई पता नहीं कहाँ में देना है, अभी कोई पता ही कौन, आपको पता ही नहीं है इस चीज का? अभी तो कोई पता नहीं है। सरकारी योजनाओं में आपके जो कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं मेरे पास। 4 बच्चे हैं। क्या उनको भी सरकारी सुविधाएं मिल रही है? कुछ भी नहीं मिल रही सरकारी सुविधा उनको, तो पैसा से फड़ा रहे हम तो, हमारा से नहीं, नाज भी नहीं मिल रहा हमको तो। और भी कुछ महिलाएं एक बार बात करना चाहेंगे, आपका नाम क्या है? कमलेश देवी। कमलेश देवी जी, क्या सरकारी योजनाओं का आपको लाभ मिल रहा है? हमें तो सिर्फ ये किन्नाज का मिल रहा है या नरेगा का मिल रहा है बस। सरकार ने चिकित्सा की सुविधा भी दे रखी है आपको पता है? आज कर रखी है, वो मिलता है जिन्होंने चिरंजीवी योजना में इलाज करा उनको तो मिल ही रहा है वैसे भी, और हमें नरेगा में भी काम करने को मिल ही रहा है, और 220 रुपए हमारी सैलरी दी जा रही है रोज की पर डे की, और भी कोई कई योजनाएं चला रखी है, सड़क निर्माण, कॉलेज का हॉस्पिटल बन रहा है,
कांग्रेस सरकार ने काफी कुछ अच्छा किया है, बस हम तो ठीक ही मानते हैं। आप किसको वोट करना चाहेंगे? अशोक गहलोत जी, हमारे थोड़ा क्या है कि ये सरकार ने कुछ काम करके दिखाया, अगली बार सड़कों का निर्माण, कॉलेज वगैरह ये खुलवाए, बच्चों को जब दूर नहीं जाना पड़ेगा, और इनरे का काम भी चला दिया जो गृहणियों को थोड़ा ना घर चलाने में आसानी होती है। हाँ, और क्या सरकार ने और मोदी सरकार, मोदी जी को जानते हैं आप? जानते हैं, प्रधानमंत्री। हाँ, प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार, भाजपा सरकार या आपके कांग्रेस सरकार, क्या कहना होगा? कहना तो क्या है कि मोदी जी सरकार जब आई थी, भाजपा सरकार आई तो उन्होंने भी काफी विकास का कार्य तो किया ही था, लेकिन अब हमें थोड़ा क्या नरेगा में गृहणियों को, ये महिलाओं को अच्छा रोजगार दिया जा रहा है, जो थोड़ा बहुत अपना घर चलाने में आसानी होती जा रही है, सबसे बड़ी बात तो यह है। लेकिन हम कचरे के जो हमारे नगर पालिका हमें कचरे का जो वो देती है काम, तो उस काम से हम नाराज हैं, जरूर इससे तो हम बहुत ही नाराज हैं। हमें कचरा काम नहीं दिया जाए, आगे की सरकार सरकार से भी यही आशा करते हैं कि हमें गंदगी का काम नहीं दिया जाए, ये घास फूस इस थावड़े पेड़ पौधे लगाना ये सब काम हम करने के लिए तैयार हैं। क्या आपको गंदगी भी साफ करवाई जाती है? कभी कभी तो दो तीन दिन में स्टॉल नाले की भी दी जा रही थी, कई साल नाले साफ करने की, तो माता बहनों ने खूब हड़ताल भी की थी, तो वो तो अब नहीं आ रहा है, लेकिन नगर पालिका ये इसमें दे रही है हमें कचरे में स्टॉल, तो अब हमने उनको बदल के हमें दूसरा काम दे दिया गया है, घास काट आ रहे हैं, दो तीन चार रोज हो गए हमें आने आते हुए। आपके जैसे बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे तीन बच्चे हैं, एक लड़की है, दो लड़के हैं। क्या सरकार की क्या क्या योजनाएं मिल रही हैं अब तक आपको? नाज मिल गया? नाज हाँ मिल रहा है, चालू हो गया नाज, कई साल से नाम जुड़ गया है, किट भी मिली थी दो, और क्या नाम से हमें बच्चों के तो कोई जो स्कॉलरशिप मिल रही है वैसे छात्रवृत्ति सरकार की ओर से, प्रधानमंत्री की ओर से। आयुष्मान योजना भी चल रही है, क्या वो भी मिल रही है? आयुष्मान योजना नहीं मिल रही हमें, तो उसमें हम नहीं है, हम तो ये सोचे कि गरीब व्यक्ति को आगे आने वाली सरकार कुछ न कुछ महिलाओं को, जैसे अभी मिस्टॉल में हमें काम बाहर आने के लिए मिल रहा है, तो हम तो ये चाहते हैं कि आने वाली सरकार से हमें घर पे ही काम दिया जाए, कोई सिलाई है कोई ट्रेनिंग दिया माता मैडम को बहनों को, तो हम उल्टा उसमें ज्यादा खुश रहेंगे। आपको पता है कि मोदी सरकार ने महिलाओं को आरक्षण अभी आरक्षण दिया है, पता है आपको? हमें तो नहीं है पता उस चीज का, तो अभी यहाँ पे हम इतने क्योंकि हम काम काजी महिला है, घर से निकल के यहाँ जाते हैं, इतना अखबार पढ़ने का भी हमें टाइम नहीं मिलता है इतना। तो कितने पढ़े लिखे हैं आप? मैंने सीनियर में छोड़ दी है पढ़ाई। आपका नाम क्या है माता जी? आपका नाम क्या है? टीजा देवी। क्या सरकारी योजनाओं कितना लाभ मिला, क्या कहना चाहूंगे? और भी कुछ महिलाएं एक बार बात करना चाहेंगे, आपसे भी बात करना चाहेंगे। आपका नाम क्या है? आशा देवी। आशा देवी जी, क्या क्या योजनाओं का हमको तो काई नहीं मिल रही, ना तो किट काई को मिली ना नाज मिल रहा है। कब से आप ये काम कर रहे हैं? साल भर होगी, साल भर से ऊपर होगी, हमको तो काई को मिल रहा है, हमको तो ना तो किट मिल रही ना नाज मिल रही, और जहाँ ये सब ने कहे ये बनवा हुआ बनवा सब बनवा लिया, काई भी सुविधा को न मार लिया, तो और घूमना रोगा साल भर से ऊपर होगी काम करता अभी। क्या समय पे तनख्वाह मिल रही है जो ये आपको ये मनरेगा के अंदर जो लगे हुए? तो मिले थी अब तो दो महीना हो गया, अभी को डाली तनख्वाह, दो महीने से तनख्वाह नहीं मिली। नहीं मिली। क्या कितने बच्चे हैं आपके? दो। दो बच्चे आपके जो क्या नाम से हस्बैंड है ना? अच्छा, वो क्या काम करते हैं? ये बेलदारी करे थे। बेटी दो बच्चे हैं, क्या कौन कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? एक तो यही फटे पहली दूसरी में, और बच्चा दसवीं पास कर ली। सरकार कांग्रेस वाली अच्छी है या फूल वाली सरकार, भाजपा सरकार? सरकार तो हमको जो सुविधा देगी यही बढ़िया था, मार लेकर तो। अच्छा, आप जानते हैं कि राजस्थान में सरकार किसकी है? अब ये बात हम खड़े को इतना ही अच्छा कर। अच्छा, अशोक गहलोत जी को जानते हैं? अब हमने कभी देखा ही कौन, अब हम तो सबको जान पर कभी देखा ही कौन अपने। क्या और आपसे भी बात करना चाहिए, क्या नाम है आपका? मतलब सुनीता। सुनीता जी, क्या 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 सुविधाएं मिल रही है? सब चीज की मिल रही थी, भैंस डाढ़ा गाय सब्जी मेरे पास तो। अच्छा, उनका न्यार खोती रोज हमें चाहिए। अच्छा अच्छा, क्या सरकारी योजनाओं की जो सरकार बोल रही है कि हमने योजनाएं लागू की है, क्या योजनाओं का लाभ ठीक तरह से मिल रहा है? आप सही मिल रहे थे भाई साहब, नाज मिल रहे थे और कट्टी मिल गई, और नरोगा चल रहे थे हमारा तो धुआंधार।
क्या आपको पता है कितनी योजनाएं चल रही है सरकार की? सरकार का पता हमको तो का ये खाओगे ना मुंडा में जाओ यही मालूम रहो। योजना नहीं मिल रही और कोई नहीं बच्चा पढ़ रहा है वैसा अपना तो कोई योजना का योजना से पढ़ रहे योजना से पढ़ रहे कौन सी योजना से पढ़ रहे अभी ये पता कौन सरकार दे जब अब ये पता कौन कच्ची सरकार कच्ची का जान पढ़ता साहब गुंटा टाइप अते नहीं समझते हम। और भी कुछ महिलाएं एक बार बात करना चाहेंगे अगर मैं सहयोग दल की साइड में चलना चाहेंगे कि आप लोग मनरेगा में काम करते हैं क्या नाम है आपका? बानो बेगम। बानो जी बेगम। बानो बेगम। बानो बेगम क्या सरकारी योजनाओं का कितना आपको लाभ मिला क्या सरकार ने और क्या काम करने चाहिए? सरकार ने ये लाभ दिया हमको तो खाली नाज खा रहे हैं सरकार का और कुछ भी लाभ नहीं हमको ये धंधा दिया नरेगा का तो नरेगा का धंधा में यह है कि 215 की रेट है 220 से ऊपर नहीं आई हमारी रेट। क्या इसको बढ़ानी चाहिए? बढ़ानी चाहिए वो देखो काम का देखता है। कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं 2 लड़का 2 लड़की। अच्छा क्या सरकार ये केवल आपने बताया कि केवल हमें नाज मिल रहा है केवल और किराए का मकान से रहते हैं हमारे घर का झोपड़ा भी नहीं है भाई ज्यादा गाड़े लोअरन से बुरा थोड़ी है हमें जो गाड़े लोअरन को फ्री जमीन मिल रही थी हमको एक बिलान का टुकड़ा भी नहीं सरकार की तरफ से ऐसे दुखी इंसान के लिए आदमी का धंधा नहीं है टेम्पो चलाते हैं बच्चा भी ऐसे मेहनत मजदूरी करके टाइम पास कर रहे सबसे बड़ी दुखी ये है हमारा। सरकार को क्या कहना चाहेंगे नहीं तो अगर मान लो कि कह लो सरकार वर्तमान में कांग्रेस की सरकार और भाजपा सरकार कौन सी सरकार ने अच्छा काम किया? इसने कांग्रेस ने अच्छा किया। क्या अभी आपने बताया कि मैं एक योजना का लाभ मिल रहा है? हाँ, नाज हम तो नाज मिल रहा है। क्या चिकित्सा सुविधा मिल रही है? नाज के लिए और कुछ भी सुविधा नहीं कोई सुविधा नहीं है और ना आपके पास कोई गवर्नमेंट की योजनाओं के लिए कोई अधिकारी कोई नहीं है? नहीं। आपसे पूछ रहे हैं आपका नाम क्या है? आपको आपका नाम क्या है माता जी? भाई हमको ज्यादा भी ना कृष्णा कृष्णा जी कहाँ रहते हैं आप? हम हाई स्कूल के सारे रहते हैं 11 वार्ड। तो मनरेगा में आप काम कर रहे हैं सरकारी योजना का लाभ कितना मिला कितना पहुंचा? बस ये नाज ही मिलता है और तो कुछ योजना है ही नहीं। कोई योजना नहीं नहीं है हमारे कंतर बस ये आया है काम जो भी है ना पन्नी का कर लो कोई कह नाप तोल का कर लो और कुछ ऐसा मिलता बरोबर पैसा भी नहीं मिलते। अब 4 मिस्टोल हो गए अभी तक पैसे भी नहीं डले। अब गरीब आदमी हम भी आदमी भी नहीं है एक बच्चा ही है तो घर में ही काम नहीं आया पैसा तो फिर वो भी बढ़ जाए। क्या कहना होगा आपको कि आप मान लो कोई सजेशन देना चाहे कि सरकार को ये करना एक तो ये बढ़ा है हम काम कर रहे हैं जो पैसा रेट बढ़ा है और देखो नहीं है कुछ भी 5 बजे की कर दिया तो 4 बजे करे इसको टाइम। कितने घंटे काम करते हैं? अब 8 बजे के आए हैं हम और 8 बजे से लेकर 5 बजे तक रहते हैं 4:30 बजे तक आधा घंटा का लंच देते हैं ये। क्या कहना चाहेंगे क्या कहते हैं आप बांदीकुई के अंदर आप रोजगार की बात कर क्या रोजगार होना चाहिए आपके बांदीकुई में लेडीजों के लिए तो कुछ रोजगार और होना चाहिए ना और भी होना चाहिए सरकार को ऐसी क्या योजना चलानी चाहिए जिससे महिलाओं को घर बैठा का रोजगार हो तो और बढ़िया है ना भी कोई कंपनी वगैरह कोई ऐसी खुल जाए तो वो भी अच्छी बात है। अभी नरेगा का कर रहा है गंदगी का काम आ जाता अस्पतालों का काम आता है कचरा वचरा अस्पताल के कचरा में लेडीज हाथ दे रही है अच्छी भी जो 500 रुपया में भी नहीं जाती है जो हमको 220 मिल रहा है उसमें भी जो हाजिरी काटी जाएगी हाजिरी काटी जाएगी काम न करा तो काम न करा तो हाँ उसके उसमें नरोगा का नाम नहीं आएगा और जो काम नहीं करोगा तो ऐसे भी बोली हमसे। अब बताओ क्या करा जजार हमको ऑब्जेक्शन उठायो जजार हमको न्याय दिया अब न्याय फिर हमको नफ्तीन का देवे जी जब खाल खिंच जा हमारी खान तक काम करा। आपका नाम क्या नाम है आपका? गीता देवी। गीता देवी जी गीता देवी जी आप ये बताए कि क्या क्या सरकारी योजनाएं का लाभ मिला है आपको? हमको तो सरकार की तरफ से नाज ही मिल रहा है बस अभी चल लू यार अभी चल रही है हमारे तो काय भी लाभ कौन हमारे तो धने भी कौन कुमावा आकन सो है कम दिखा चार बच्ची हमारे हमारा भी बेरोजगार लड़के भी नहीं है हमारे पास तो बहुत दुखी हो रहा है कचरा में दे रहा है कचरा में नहीं करा तो तुम्हारी हाजिरी कट हो जाएगी कचरे में हाथ नहीं दोगे तो कट हो जाएगी हाजिरी
गंदगी में दे बहुत गंदगी बीमार होगा तो। हम और ये कहना चाहते हैं कि जो नगर पालिका हमें जो काम दे रही है वो हम उनके बहुत बहुत शुक्रगुजार है ऐसे तो, लेकिन क्या है कि हमारी 220 रेट आ रही है तो हम रेट को और बढ़ाना चाहेंगे। महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है कि इसमें हमारा गुजारा कैसा हो करे, क्योंकि हमारे पति बेरोजगार भी हैं और हमारा टाइम भी है ना 8 घंटे ही किया जाए, 1 घंटे का हमारा लंच दिया जाए और हमें अब लेट तक छोड़ा जाता है, हम आ जाते हैं 8 बजे। सरकार तो कहती है कि योजना बहुत दी है, योजना तो दी उन्होंने दी होंगी लेकिन हमें लाभ तो बहुत ही नाजी मिल रहा है हमें तो, ये नरेगा में चल रहा है हमें और 200 रुपए में जो ये दिया सिलेंडर कितने महंगा है और हर चीज की महंगाई कितनी बड़ी होती बढ़ती जा रही है हर साल ही, तो हम तो बहुत ही परेशान है। और नरेगा का हमारे दिया जा रहा है तो हमें टाइम से पाबंद करने का भी रूल होता है कि इस टाइम गृहणियों को तो टाइम से नहीं निकलना भी नहीं होता, 10-5 मिनट लेट आधा घंटा भी लेट हो सकती है, तो हम तो ये कहना चाहेंगे कि हमारी बहनों दोनों से और 4 बजे तक का होना चाहिए टाइम और हमारी रेट भी ज्यादा ही आनी चाहिए। हमने बात करी कि अंतिम व्यक्ति से कि क्या योजनाओं का सरकार का लाभ मिल रहा है। महिलाओं का कहना है कि नगर पालिका क्षेत्र बांदीकुई के अंदर गंदगी के अंदर लगातार काम करवाया जाता है जिसको लेकर नाराजगी है। साथ ही बताया कि गहलोत सरकार की केवल एक ही केवल योजना का जो लाभ मिल रहा है केवल नाज ही मिल रहा है खाने को, सरकार की तरफ से कोई योजना का अंतिम व्यक्ति को कोई भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है, ऐसा कहना मनरेगा का जो कर्मी है महिला इनका कहना है। अब देखते हैं कि आने वाली जो सरकारें हैं जो चुनाव के बाद जो सरकारें आती है वो मनरेगा महिलाओं के लिए शहरी के लिए क्या योजना लाती है, क्या योजना अंतिम व्यक्ति तक पहुंच पाती है, ये तो आने वाला समय बताएगा। कैमरा पर्सन के साथ देवेंद्र नरूका, NDTV दौसा।